अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोगों को तेज़ाब और गैस की प्रॉब्लम रहती है, क्या हम लोग चावल खा सकते हैं? तो दोस्तों, आप लोग चावल खा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जब भी खाना खाना है, आपने अपने पेट के तीन हिस्से करने हैं, हवा, पानी और खाना। तो दो हिस्से छोड़ देने हैं, खाली एक हिस्सा खाली छोड़ना है, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए। तो जो हिस्सा खाने के लिए है वो आप उससे भर सकते हैं, बस इतना खाना खा सकते हैं कि दो हिस्से बाकी बच जाए। एक तो खाने से पहले और बाद में एक डेढ़ घंटा पानी नहीं पीना आपने। और चावल हमें कितने खाने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें सिर्फ उतनी ही खानी चाहिए जितनी उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम पूरा दिन जो भी खाना खाते हैं उसमें 70% हमारी खुराक फल और सब्जियां होनी चाहिए। और अगर हम अनाज की बात करें तो वो हमें सिर्फ 20% ही खाना चाहिए, वो चाहे चावल की शक्ल में कोई चीज़ बनी हुई हो या फिर गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, वो सब अनाज में ऐड होगी। तो ये हमें सिर्फ 20% ही खाना है पूरे दिन में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो पूरा पेट भर के रोटी खाते हैं, या चावल खा रहे हैं तो पूरा पेट भर के चावल खाते हैं, तो इससे ये हमें गैस और तेज़ाब की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसा कभी ना करें। सिर्फ आप अपने पूरे दिन की डाइट देख लें कि कितनी खाते हैं, उसका सिर्फ 20% ही आपने अनाज खाना है, 70% फल और सब्जियां, 20% अनाज, और जो 10% है वो आपने डायरी जो प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ वो खाने हैं, जिसमें दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, मटन या फिर बीफ, जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे किसी भी शक्ल में हो, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं, वो आपने सिर्फ 10% ही लेनी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम।